गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने संवाद भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में 142 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसके लिए एक टीम बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि नव नियुक्त शिक्षकों की जिम्मेदारी अधिक से है कि वे अपने इस युवा जोश से विद्यार्थियों को लाभान्वित कराएं एवं शिक्षण कार्य के नए स्वरूपों को भी अपने शिक्षण प्रक्रिया में लागू करने में सहायक होंगे। कुलपति ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि विश्वविद्यालय में NAAC का मूल्यांकन हो एवं विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि NAAC के मूल्यांकन के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा, समय तो निकलता ही है, दो साल हो या दो दिन हो या आने वाले कई साल हो, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होता है कि जिस पल हम हैं आज, वही पल हम क्या कर रहे हैं, जिस पल हम जो कार्य करते हैं वही भविष्य का निर्माण करता है। तो हम कुलपति के रूप में जब से हमने ज्वाइन किया, तो चूँकि मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ, उसके विश्वविद्यालय से मैं भलीभांति परिचित था और मुझे ये संज्ञान में पहले से ही था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का नितांत अभाव है। तो जब मैं यहाँ पे गत वर्ष दो वर्ष पूर्व मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो यहाँ के शिक्षकों के, यहाँ के हेड डिपार्टमेंट से, डीन से, सभी से मैंने बात की, सभी का एक ही स्वर था कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ हो जाएँ, अन्यथा विश्वविद्यालय बंदगी के कगार पे है, छात्र दूर दूर से अध्ययन करने आते हैं, शिक्षकों के अभाव में अध्ययन नहीं कर पाते, फिर वो अन्य महाविद्यालयों की तरफ चले जाते हैं और क्लासेज यहाँ ना होने की वजह से बच्चे इधर उधर भटकते थे दिन भर में और उनको कोई क्लास में नहीं मिलता था शिक्षक। कई के विभाग में तो 90% पोजिशंस खाली थी, तो प्राथमिकता के आधार पर उसका विज्ञापन कराया गया विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा, यहाँ के कुछ सचिव के महोदय के द्वारा, हमारे हेड डिपार्टमेंट डीन्स के द्वारा स्क्रूटनी की गई फॉर्म्स की। पूरे प्रक्रिया में क्योंकि काफ़ी संख्या में अप्लीकेशंस आई, 6,000-7,000 से ऊपर से अप्लीकेशन आई थी, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को छांट के उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना इसकी प्राथमिकता थी। तो पूरे डिपार्टमेंट में पूरा करने में 3-4 महीने का समय लगा, फरवरी में जाके ये हमारी स्क्रूटनी के कार्य ख़त्म हो पाया। तो हमने फिर मार्च में की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और 4 महीने अनवरत विदाउट एनी ब्रेक हमने इंटरव्यू कराए, क्योंकि अभ्यर्थी जो भी एलिजिबल थे सभी को बुलाना था। तो एक दिन में 70-80 कैंडिडेट्स को बुलाए गए और उनका इंटरव्यू सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 11 बजे रात तक चला, साक्षात्कार किए गए और उनके जो पास अकेडमी रिकॉर्ड्स थे उनको भी ध्यान में रखा गया। उनके रिकॉर्ड्स के आधार पे हमारे सेलेक्शन कमेटी, जो कि 9 मेंबर सेलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें 3 एक्सपर्ट होते हैं, हेड होते हैं, डीन होते हैं, अन्य मेंबर होते हैं, OBC नॉमिनी, SC नॉमिनी, इस सबको मिलाते हुए 9 सदस्यीय सेलेक्शन कमेटी हर विषय में गठित हुई और हर विषय का चुनाव सेलेक्शन प्रोसेस चला, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन, कुछ कुछ विषयों में एक हफ्ता चला और पूरे समाप्त होने के बाद यूनानिमस तरीके से, सर्वसम्मति से शिक्षकों का चयन किया गया, पैनल बना और 2 चरणों में रिजल्ट घोषित किए गए। ठीक आज से 1 वर्ष पूर्व एक चरण, पहला चरण घोषित किया गया शिक्षकों की, जिसमें 42-45 शिक्षकों ने ज्वाइन किया। उसके बाद दूसरे चरण में करीब 100 शिक्षकों का और घोषित किया गया जुलाई में। तो इस तरह से मिला के करीब 140-145 शिक्षक की नियुक्ति हो सकी और जो विश्वविद्यालय में अभाव था शिक्षकों का वह इस वर्ष पूरा हो गया। 1-2 विषय रह गए हैं और एक विषय तो पूरा भी हो चुका है, वो भी उम्मीद है कि वो भी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। 1-2 विषय और रह जाते हैं जिसको हम देखेंगे कि नए परिप्रेक्ष्य में, नए जो हमारे ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं आरक्षण के संबंध में, उसके बारे में क्या दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा मिलता है, उसके उपरांत उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से हमारे शिक्षकों की प्रोन्नतियाँ भी बहुतों की लटकी पड़ी थी, बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिनकी प्रोन्नतियाँ 10-10 साल से लटकी पड़ी थी, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं हो पा रही थी, तो वो सारे शिक्षकों की प्रोन्नतियाँ भी कर ली गई बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी अड़चन के। और वर्तमान में
ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जिसकी प्रोन्नति 4 या 6 महीने से ज़्यादा लंबित हो। सिर्फ ऐसे शिक्षक जो कि पिछले 6 महीने में हैं, ऐसे 1 या 2 रह गए हैं, उनकी भी कर ली जाएगी। अब किसी शिक्षक की प्रोन्नति लंबित नहीं है, सारे शिक्षकों का जो अभाव था विभागों में कम्प्लीट हो गया है, और इस वजह से अब एक नया आयाम विश्वविद्यालय को मिल गया है। साथ में अब हम जो आधारभूत सुविधाएं हैं कक्षा संचालन के लिए, क्योंकि अल्टीमेट टेकर जो होता है वो तो छात्र होता है। हमारे विश्वविद्यालय क्योंकि इस देश का ही नहीं विश्व का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला यह पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, और उसके बाद उस समय के जो मूर्धन्य विद्वान थे उन्होंने विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। उसी के तहत अब ये एक नई प्रेरणा के नए स्रोत के साथ हम विश्वविद्यालय को फिर आगे बढ़ाएंगे। हम ऐसी कामना करते हैं विश्वविद्यालय के जो पुराने शिक्षक हैं उनके नेतृत्व में नवागत शिक्षक जो हैं वह उनके मार्गदर्शन में अच्छे संस्कारों के साथ अच्छे कटिबद्धता समयबद्धता के साथ अपनी कक्षाएं लेंगे, और अध्ययन अध्यापन के माध्यम से हम विश्वविद्यालय को जैसा कि पहले ही स्थापित है अच्छा विश्वविद्यालय उसको और बेहतर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। साथ में हम मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान देंगे। अभी बहुत से काम होने बाकी हैं जो विश्वविद्यालय में अभी परिलक्षित किए गए हैं जो आगामी सालों में किए जाएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नैक से मूल्यांकन कराना, और एक बार नैक से मूल्यांकन जब विश्वविद्यालय का हो जाएगा तो फिर हम इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत निश्चय हो चुका है कि जब तक यूजीसी किसी यूनिवर्सिटी को नैक एक्रेडिटेशन नहीं कराएगी तब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय का नैक एक्रेडिटेशन कराएँ, और उसके बाद हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में पूरी क्षमता है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की। और साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीज़ें विगत वर्षों में ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को जगह जगह अप्लाई किया है। वित्त अधिकारी महोदय ने विशेष प्रयास करके हमारे विश्वविद्यालय की ग्रांट को बढ़ाया। पहले ग्रांट 8 या 10 करोड़ सरकार से अनुदान प्राप्त होता था, वो आज की तिथि में 40 करोड़ से ऊपर सरकारी सहायता मिलने लगी है। तो हमारे पास धन का अभाव नहीं रह गया है, हमने भी अपने विभिन्न स्रोतों में कटौती करके बचत किया है और आमदनी के जरिए को बढ़ाया है, इसलिए धनाभाव हमारे पास नहीं है। लेकिन एक विल पावर की जो ज़रूरत है वो कलेक्टिव विजडम से ही होगा, सामूहिक दृष्टिकोण से होगा। इस सामूहिक दृष्टिकोण में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हमारे शिक्षकों का दृष्टिकोण, हमारे छात्रों का दृष्टिकोण, सब जब एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे तभी विश्वविद्यालय और बेहतर स्थिति में और उच्चतर स्थिति में पहुँचेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय जो इस पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित है 1957 से अपना योगदान कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं के निर्माण के क्षेत्र में, वह आने वाले समय में और द्रुत गति से प्रदान करता रहेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। शोध संस्थान की स्थापना दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना राज्य सरकार के अनुदान द्वारा स्थापित है। गोरखनाथ शोध पीठ की भी स्थापना की गई है, भवन का निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हो गया है, पद स्वीकृत किए गए हैं उसमें, और बीच बीच में उसके गोष्ठियाँ आयोजित होती रहती हैं, सेमिनार्स आयोजित हो रही हैं, और अब हम उस पर पुस्तक प्रकाशित करने की दिशा में अग्रसर हैं। शीघ्रातिशीघ्र उसमें विभिन्न तरह की प्रतिलिपियाँ हमारे संकलित प्रतिलिपियाँ प्रकाशित की जाएंगी जो गोरखनाथ के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, इस पूरे पूर्वांचल से जुड़ी हुई जो गोरखनाथ की जो महिमा है उसके बारे में पूरे विश्व में लोगों को अवगत कराएगी, और हम ये पूरे विश्व में इस बात की प्रतिष्ठा अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे कि हमारा देश गोरखनाथ के लिए, इस पीठ के लिए, इस हमारे जो गोरखनाथ मंदिर है उससे जुड़ी हुई जो हमारे संकलन हैं उनको कैसे हम और पूरे विश्व में प्रचारित करें। यद्यपि यह प्राचीन काल से ही देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन अभी जानकारी का अभाव है, उनको उसका प्रचार प्रसार इस शोध पीठ के माध्यम से हम करेंगे। दीनदयाल जी का भी शोध पट हमारे यहाँ अग्रसर है, राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिला हुआ है उसमें, उसके भी जो दीनदयाल जी के जो उनकी फिलॉसफी थी, जो उनकी उनका ज्ञान था, उनकी जो परिकल्पना थी इस देश के बारे में, उस परिकल्पना को हम आने वाली युवा पीढ़ी को अवगत कराएंगे, वो भी एक्टिविटी आगे आने वाले समय में काम करेंगे।